आस्था और इतिहास की नगरी कन्नौज में नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है। उसी क्रम में कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में श्रीपति सिंह भदौरिया और उनकी पत्नी श्रीमती मीरा सिंह की प्रेरणा से उनके पुत्र रोहित सिंह भदौरिया द्वारा भव्य पंडाल लगाकर श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रसारण प्रतिदिन आस्था भजन चैनल पर भी देखा जा सकता है, जिसकी विशाल कलश यात्रा दुर्गा काली मंदिर सराय मीरा से बोर्डिंग ग्राउंड तक निकाली जाएगी। उज्जैन निवासी कथा व्यास गजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा प्रतिदिन 1 से लेकर 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। इस श्रीमद् भागवत कथा को लेकर नगर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नमस्कार, R9 भारत में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज के KKCN बोर्डिंग ग्राउंड में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर किस प्रकार से ये भव्य पंडाल का जो है व्यवस्था चल रही है, और इस व्यवस्था को लेकर के क्या यहाँ पर कार्यक्रम होना निश्चित है। चलिए मैं आपको इसके जो आयोजक हैं उनसे ही आपको रूबरू करवाता हूँ कि आखिर ये कार्यक्रम क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर इस आयोजन के आयोजक कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं ये भक्त लोग हैं, यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ सकते हैं। और इस समय रात का लगभग 10 बजने का समय है और यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर के सभी लोग उपस्थित हैं। आखिर क्या है कार्यक्रम, चलिए मैं आपको उसकी पूरी जानकारी निकाल के देता हूँ। ऐसा क्या नाम है आपका? ये बतलाइए किस प्रकार का आयोजन है? ये श्रीमद् भागवत कथा मेरे माता पिता की इच्छानुसार उन्होंने आदेश दिया, इसमें आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन आपका कब से कब तक? ये आयोजन मेरा 24 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। 31 मार्च को पूर्ण होम आयोजन के साथ भंडारा होगा। तो इस भागवत कथा में क्या माननीय व्यास जी श्री विद्याशानंद महाराज जी हैं, वो सौरिक से गुजरात रहे, वैसे गुजरात रहे। तो इस कार्यक्रम में क्या ये जो है समाज के अन्य लोगों का भी योगदान रहेगा या आपका व्यक्तिगत योगदान है? ये मेरा कार्यक्रम जो है ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है, आर्थिक रूप से व्यक्तिगत है, भारत के सभी समाज के ये आपने ये कार्यक्रम जो निश्चित किया है ये नवरात्रि माननीय मेरे माता जी पिताजी की इच्छा अनुसार मैंने इसको नवरात्रि में सुनिश्चित किया। बाद बाकी सभी लोगों का थोड़ा धार्मिक इस टाइम सहयोग भी मिलता है, इसीलिए इसको मना रहे हैं। 24 तारीख से आप प्रोग्राम रहेगा, कितने समय पहले से 24 मार्च को श्री काली दुर्गा मंदिर सराय मीरा से 8:30 बजे कलश यात्रा काफ़ी बड़ी संख्या में निकलेगी, जो सराय मीरा होते हुए त्रिवक्रासन होते हुए बोर्डिंग ग्राउंड है, मतलब काली दुर्गा मंदिर से बोर्डिंग ग्राउंड ही आएगी। नगर के किन्हीं मुख्य मार्गों पर शोभा यात्रा नहीं निकालने के लिए? नहीं, नगर के किसी मुख्य मार्ग पर नहीं, पुलिस प्रशासन के द्वारा मतलब परमिशन मिल सका। आप देख सकते हैं संसार में अगर कोई ईश्वर है या भगवान है तो वो माता पिता हैं, और माता पिता की प्रेरणा से उनके सुपुत्र के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, और जिसका शेड्यूल 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रहेगा, और इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। जनपद कन्नौज से अमित मिश्रा के साथ